that the series shows in actually in a sense of psychological affecting the viewers. Absolutely. Asha, I take your question. This is a very interesting question, Sangeeta ji. इसलिए interesting बोलेंगे क्योंकि addiction की जो बातें होती है जब हम web series की बातें करते हैं, there are many web series which are just 10-15 minutes each episodes. उसमें 10 एपिसोड होगा तो आप देख लो उसको काउंट करोगे तो 130 मिनट्स होता है. 130 मिनट्स मींस ऑलमोस्ट 2 hours. 2 hours 10 मिनट्स के आसपास. अब 2 hours 10 मिनट्स कोई ए लगातार देख रहे हैं उसको एडिक्शन हम बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे ये हमें नहीं पता. लेकिन दूसरी बात उसके साइमल्टेनियसली जैसे फॉर एग्जाम्पल मिर्जापुर है, ईच एपिसोड्स आर लाइक 45 मिनट्स टू 1 hour. ठीक है, तो उसमें अगर 12 एपिसोड्स हैं तो दैट विल टेक यू 12 आवर्स, ऑलमोस्ट 10 टू 12 आवर्स. नाउ दीज आर ऑब्वियसली एडिक्शंस क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बात जैसे आशा जी ने क्वेश्चन किया है वो सबसे हमें पहले ध्यान रखना है. पहले क्या होता था कि आज हम टीवी में सीरियल देख लिए. ठीक है, अब सीरियल देखने के बाद वो सीरियल तो वहीं पे खत्म हो गया, कल देखिए आता है, आगे देखिए आता है, तो हम उसमें वेट करते रहते हैं. वो पेशेंस हमने क्रिएट कर चुके थे टीवी वाले. लेकिन ये जो वेब सीरीज है आपसे वो पेशेंस छीन ली है. They don't want you to have patience. लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जो 12 एपिसोड वो साथ में क्यों देखेंगे? Exactly. Now the question is, हम लोगों में वो patience रहा नहीं. जो भी viewers है, most of the viewers जैसे इन्होंने बोला है, इनका friends है जो glued हो जाता है, जब तक खत्म नहीं होता तब तक देखते रहते हैं. अब एक साथ देखने का वो लोग क्यों देखते हैं? ये सब individual choices हैं. बहुत लोग होता है एक देख लिया एपिसोड बहुत लंबा लगा और उनको बीच में अच्छा नहीं लगा तो छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे जब टाइम मिलेगा. लेकिन बहुत लोग होता है कि नहीं देखना ही है. फॉर एग्जाम्पल गॉल जो गोरीनेस की बातें कर रहे हैं, जो सीरीज में गोरीनेस होता है उस गोरीनेस में हम देखते हैं जैसे सीक्रेट गेम्स ले लीजिए आप या मिर्जापुर देख लीजिए या फिर देयर आर मेनी अदर सीरीज जहाँ पे ये सब बहुत गोरी गोरी चीजें होती रहती है. तो उस सीरीजों में हमने जैसे सेक्स ड्रग्स एंड थिएटर फॉर एग्जाम्पल वो सब जो गोरी चीजें हैं हम लोगों में, तो उसमें क्या होता है कि सम पीपल लाइक एक साथ सारे देखो. वो मेरे ऊपर है लेकिन मुझे अपना टाइमलाइन करना चाहिए. एक एक एपिसोड 30 मिनट्स 35 मिनट्स है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अब मैं 5 घंटे इन्वेस्ट कर सकूंगा या नहीं, चाहे मैं जितना भी इंटरेस्टेड हूँ. बट हमें वो प्रायोरिटाइज करना नहीं आता है. हम शायद उस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं पहुंचे. नई चीज है नहीं पहुंचे. अब इन फ्रेंड्सों का तो एक ही सलाह होती है कि हाँ साइकोलॉजिकली इट इफेक्ट्स द व्यूअर्स. ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकली इफेक्ट. कोई अगर मेड इन हेवन देखेगा उनको लगेगा कि यार मेरी शादी भी इतना ही होना चाहिए, 4 करोड़ 5 करोड़ खर्चा होना चाहिए. ये सारे चीजें अंदर से आती है. जब हमने पहली बार वो Amazon Prime में देखा था बैंग बाजा भारत, तब हमें लगा था कि हमारी शादी भी इतने धूमधाम से हो, सारे लोग आए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हम बुलाए. तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी पैदा करते हैं. ये सिर्फ वेब सीरीज का कसूर नहीं है, इनफैक्ट सीरियल्स भी वही दिखाते हैं. हम लोग कभी पता नहीं बाहर बाकी राज्य में कैसा है, पश्चिम बंगाल में जब दुर्गा पूजा आती है फॉर एग्जाम्पल, उसमें साड़ियां लॉन्च होती है, कुर्ते और शर्ट लॉन्च होते हैं. अच्छा फलाना फिल्म में फलाना आर्टिस्ट ने पहना तो ये सीरीज है, ये कंगना की मणिकर्णिका का साड़ी है. तो वो जो चीजें हैं वो फिल्म से भी इम्पैक्ट हो रहा है या सीरियल से इम्पैक्ट हो रहा है. फलाना सीरियल में ये पहनी थी तो ये ड्रेस है, आजकल यही फैशन में मैडम ये ले लो. तो वो चीजें इफेक्ट करते हैं, सबको इफेक्ट करते हैं. अब अलग अलग लोगों का अलग अलग चीजों से इफेक्ट करता है. एज शी इज एज आशा का जो कंसर्न है कि एडिक्शन होना. एडिक्शन देखिए दूसरी बात ये होता है कि बहुत लोग एडिक्ट होते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज द वर्ल्ड टुडे हैज बिकम वेरी इंक्लूसिव प्लस इंडिविजुअली सेल्फ ओरिएंटेड हो गए. हम अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, चार्ज करके फिर से बैठते हैं, तो मैं अपने मोबाइल में रहता हूँ. इज दैट बेटर? और इज द implications ऑफ द सीरीज जो मैं देख के मिर्जापुर देख के मैंने वो बदला का भाव जगा हुआ है मन में, वो करूं मैं, वो बेटर है? या फिर वो जो बच्चों की सीरीज आता है पंच बीट या क्लास ऑफ 2017 या फिर साइबर स्क्वाड या पीएम सेल्फी वाली, ये जो बच्चों की सीरीज है, सब टीनेज कॉलेज गोइंग किड्स की सीरीज है, ये सीरीज में पार्टिसिपेट करके वैसे करूं
कि हमें बेटर होना है हमें गुड लुकिंग होना है तो हर चीज इफेक्ट करते हैं हम लोग आज अब वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो सवाल है बहुत सारी चीजें सामने लाते हैं जैसे इंटरेस्टिंगली आप देखिएगा जी आप दिल्ली से अगर हो साउथ मतलब दिल्ली में अगर हो आप देखोगे बहुत सारे सलून्स हैज कन्वर्टेड इनटू यूनिसेक्स सलून्स पहले पार्लर होते थे वो और जेंट्स का सलून होते थे अब सारे यूनिसेक्स हो गया इसका मतलब क्या है मेल भी खूबसूरत होना चाहता है लेकिन क्यों आया ये ग्रूमिंग अब ये ग्रूमिंग के पीछे हर महीना कोई ना कोई कितना खर्चा करता है अपने पॉकेट के अनुसार अपने अफोर्डेबिलिटी के अनुसार अब ये है उसके साथ साथ आप देखिए कि फिल्म वाले या टेलीविजन वाले इतना बॉडी दिखा दिया इतना एब्स दिखा दिया मसल टोन दिखा दिया फिट होना दिखा दिया हर किसी को आजकल फिट होने का हेल्दी रहने का लाइफस्टाइल जीने का हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का एक एडिक्शन हो चुका है इसका मतलब क्या पहले जमाने में लोग एडिक्शन नहीं थे पहले जमाने में हेल्थ कैसे होते थे कुएं से पानी उठाते थे इसीलिए कभी भी जोड़ों में हाथों में परेशानी नहीं होती थी तो दीज आर डिफरेंट वेज टुडे आज हमारे पास ऑप्शंस भी ज्यादा हो गया टेक्नोलॉजी ज्यादा है सैवी हम लोग इसीलिए इसके आदी हो चुके हैं मोबाइल फोन अगर भले वो सीरीज ना देखे उनके पास कुछ भी सीरीज ना है मान लेते हैं वो यूट्यूब डिलीट कर दिया है उसके पास नेटफ्लिक्स नहीं है उसके पास अमेजन नहीं है कुछ नहीं है मान लेते हैं लेकिन वो व्हाट्सएप में बातें करना छोड़ देगा फेसबुक में बातें करना छोड़ देगा मैसेंजर में जो वो तो एक-एक लेवल हम एक-एक लेवल बढ़ते जाते हैं हम लोग तो एनीवन इज नो मोर एन इंडिविजुअल दे आजकल यही एक आइडिया लेके आरए का जो सीरीज है A.I.Shah जिसको आयशा बोलते हैं वर्चुअल गर्लफ्रेंड की बातें जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि वर्चुअल दुनिया में सारे फ्रेंड्स हो भले उसके पास वर्चुअल फेसबुक में 1000 फ्रेंड एडेड हो इंस्टाग्राम में उसका 10,000 फॉलोअर्स हो लेकिन वो जब अकेले होंगे उनके पास कितने लोग आएंगे बिसाइड हिज फैमिली और हर फैमिली नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हम हर चीज उस मोबाइल फोन को जरूरी दोष नहीं दे सकते देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैपन विद अस आपको इन्हीं